girls, welcome back to my channel. You are watching A Pihu Style by Punita Parashar, and today's video is all about skincare routine video. As you can see, my skin is really very seems lustrous. But before it, मैं सबसे पहले तो thanks बोलना चाहूँगी उन लोगों को जिन्होंने मेरे channel को subscribe किया है. Lots of love to them. And जिन लोगों ने मेरे channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, वो फटाफट मेरे channel को अभी subscribe कर दें, like भी करें, comment भी करें और share तो करना है. और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @pihustyle_by_punita_parashar एंड आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं @punita_parashar. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट द स्किन केयर रूटीन वीडियो. सो गर्ल्स, जिन भी लोगों की ऑयली स्किन हैं, तो आई रियली पर्सनली फील दैट कि उन लोगों को कितनी मुश्किल होती होगी व्हेन दे गो आउटसाइड, व्हेन दे गो इन अ पार्टीज. क्योंकि क्या होता है, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या पार्टीज में जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा एक तो हमें स्वेटिंग होने लग जाती है फेस पर, और उसके बाद जो ऑयल सीक्रेशन होता है, दैट इज रियली रियली समटाइम्स सो वी फील अ वेरी वेरी एम्बेरसिंग. तो क्या होता है, कई बार हम बाहर जाते हैं, बात करते करते ही स्वेटिंग हो जाती है, फेस वॉश करते ही आपको एक घंटे में स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है. सो उसके लिए मेरे पास है एक मैजिक ट्रिक. आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप इसको बिल्कुल परमानेंटली खत्म नहीं कर सकते हो. गाइस, यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल लिटिल बिट टू चेंज ऑल योर स्किन. सो व्हाई आवर स्किन गेट ऑयली? यस, राइट. आवर स्किन गेट ऑयली बिकॉज आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ ऑयल टू मेक आवर स्किन अ सॉफ्टर, बैटर, मॉइस्चराइज. लेकिन समटाइम क्या होता है, कई लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयल सीक्रेशन कर देती है, जिसकी वजह से सीबम क्रिएट होने लगता है स्किन पर और आपको हो जाते हैं एक्ने एंड एक्सेस ऑयल, स्वेट ऑन द फेस, दैट मॉइस्चर, अननेसेसरी का मॉइस्चर आ जाता है फेस के ऊपर. आप मेकअप भी करते हो तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर फेस के ऊपर आ जाता है, मेकअप डल लग जाता है, ब्लैक हो जाता है. ऑल्सो देर आर लॉट्स ऑफ ह्यूज वाइड रेंज ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट इन द मार्केट, बट दे आर रियली वेरी एक्सपेंसिव. या देर इज ऑल्सो अवेलेबल अ गुड प्रोडक्ट इन द मार्केट. सो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो. बट अभी मैं आपको होम रेमेडीज के बारे में बता देती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप जो प्रोडक्ट हो अपनी स्किन केयर रूटीन के लिए, वो घर के ही यूज करें, जो कि आपके किचन में इजिली आपको मिल जाएंगे. सो उसके लिए जितने भी प्रोडक्ट है मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ. इफ यू वॉन्ट द लॉन्ग टाइम आपकी स्किन जो है काफी अच्छी रहे, हेल्थी रहे, तो नन इज बेटर देन द होम रेमेडीज. गर्ल्स, लेट्स गेट स्टार्ट विद माई सम मिरेकल होम रेमेडीज. बट बिफोर, यू नीड टू फॉलो द राइट काइंड ऑफ 5 स्टेप फॉर दिस. सो माय नंबर फर्स्ट स्टेप इज दैट यू नीड टू ड्रिंक अ लॉट्स ऑफ वाटर, एंड यू नीड टू ड्रिंक एटलीस्ट 3 to 4 liters वाटर डेली. सो माई टिप नंबर 2 इज दैट यू नीड टू स्लीप वेल, एटलीस्ट अ गुड नैप इन द नून इज मच रिक्वायर्ड. टिप नंबर 3, वॉश योर फेस डेली, थ्राइस इन अ डे. ओके, नंबर 4 टिप इज दैट डोंट यूज अ मच हैवी मॉइस्चराइजर ऑन योर फेस. आप वही मॉइस्चराइजर यूज करें जिनके ऊपर स्पेशल लिखा होता है लाइट वेट फॉर्मूला. टिप नंबर 5, ईट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड चेंज योर लाइफ स्टाइल टू. गेट अप इन द मॉर्निंग, गो फॉर अ वॉक, डू एक्सरसाइज एंड दैट्स इट. सो गर्ल्स, लेट्स गेट स्टार्टेड with my miracle home remedies. So let's get started. First, I'm taking my organic lemon gel. This is really really very nice lemon gel, and specially for the oily skin. जिसकी skin थोड़ी सी dry है, they can use aloe vera gel. So they can use a Patanjali aloe vera gel. I'm here using my organic lemon gel, which is a free from paraben. So you need to take a 1 tablespoon of lemon gel. So next I'm taking my honey, which is really really moisturize your face. But for the oily skin, it moisturize your face but doesn't clog your pores. So ये आपके face को एकदम से चिपचिपा नहीं बनाएगा, ये आपके face को एक healthy glow देगा. तो उसके लिए मैं 1 tablespoon of honey use कर रही हूँ and then mix it well. So I'm taking here my magical scrub, which is a sugar and the tomato. तो शुगर तो गाइस सबके घर पे मिल ही जाती है, और शुगर इज वर्क एज अ स्क्रब, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज माय टोमेटो फॉर द ऑयली स्किन. इट हैज अ सिट्रिक एसिड दैट एक्सफोलिएट द डेड स्किन सेल लेयर फ्रॉम योर फेस, एंड द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द टोमेटो इज दैट कि ये एकदम से अब्सॉर्ब कर लेता है आपकी स्किन से जितना भी एक्सेस ऑयल है, वो सारा अब्सॉर्ब कर लेगा. तो आपको क्या करना है, टोमेटो लेना है एंड देन एड शुगर and mix it well. So now I'm making my oil absorbing mask.
सो ये तो सबको ही पता है कि मुल्तानी मिट्टी इज रियली वेरी वंडरफुल फॉर द ऑयली स्किन, बट हाउ इट यूज, समटाइम्स क्या होता है कि हम गलत इंग्रेडिएंट्स मैचअप कर लेते हैं विद द मुल्तानी मिट्टी, सो इट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द स्किन एक्चुअली. सो ऑयली स्किन वालों को इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि वो क्या इंग्रीडियंट्स यूज कर रहे हैं. सो मुल्तानी मिट्टी के लिए दिस इज अ वेरी वेरी वंडरफुल फेस पैक. सो यू हैव टू टेक द 1 tablespoon ऑफ मुल्तानी मिट्टी. सो आई एम टेकिंग हेयर 1 tablespoon ऑफ मुल्तानी मिट्टी. आप कोई भी मुल्तानी मिट्टी यूज कर सकते हैं जो भी आपके आसपास मार्केट्स में अवेलेबल है. तो मैंने यहाँ पे 1 tablespoon ऑफ मुल्तानी मिट्टी यूज की है. एंड द नेक्स्ट आई एम टेकिंग माई रोज वाटर. सो आई एम टेकिंग हेयर 2 tablespoon ऑफ रोज वाटर. एंड द नेक्स्ट वन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट दैट इज लेमन. सो लेमन इज रियली रियली वेरी एंटी ऑक्सीडेंट फॉर द ऑयली स्किन. एक्चुअली इट इम्प्रूव्स योर स्किन टोन, लाइटन्स योर स्किन एंड ऑल्सो रिमूव द ब्लैमिशेज इन योर स्किन. एंड इट हैज जिंक एंड सिलिका ऑल्सो विच इज अ वेरी वेरी गुड फॉर द ऑयली स्किन. सो आई एम गोइंग टू एड दिस होल लेमन इन दिस and just mix it well. Guys, this face pack is really very wonderful for your face. And if you apply it twice or thrice in a week, then you can see your face yourself that ki kitna zyada change ho gaya hai isko lagane ke baad, aapka face kitna easily aur kitna jaldi ab oil control hone laga hai. One thing more that jinki skin thodi si dry hai, they can skip the lemon. Rather than they can use aloe vera gel in this face pack. So this face pack is ready for the oily skin. और मैंने किसी तरीके का कोई भी मॉइस्चराइजर अभी अपने फेस पर नहीं लगाया है. और दोस्त आपको भी नहीं लगाना है, यू नो नीड टू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर ऑन योर फेस. उसका रीजन ये है बिकॉज यू ऑलरेडी अप्लाई अ हनी ऑन योर फेस विच गिव अ नेचुरल मॉइस्चराइजर टू योर फेस एंड ये बहुत ज्यादा ऑयल सीक्रेशन नहीं करेगा. सो आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो. इफ यू लाइक माई दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. गर्ल यूजिंग दिस होम रेमेडीज आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके. तब तक के लिए stay beautiful, take care of yourself, we will meet in the next video, take care, bye bye.